राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी, अब इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं और हम बस निकल रहे हैं अब, क्योंकि आज 2-4 काम निपटाने हैं। राम राम भाई, मेरी भी हाथ जोड़ के सारे की हमारी वीडियो पर लाइक करा करो, कमेंट करा करो, बने सारे करा करो, प्यार दिया करो, बना सारा हम भी ध्यान बतेरा दे रहे हैं। माई लेट आ रहे हैं, तुम लेट हो रहे। मेरी बात सुने, आज अगर गया ना रजवाए पे, देख लिए बेटा, फिर आइसक्रीम मिल जाएगी, पर रजवाए पे मत जाइए। तो भैया, अभी हम चल पड़े हैं टुआना, और ये जो क्लिप है मेरे पास, ये वीरवार की है। शुक्रवार में हम बिड़िया लेकर के गए थे और बुधवार में तीड़ दिखाई थी, तो बुधवार वाला व्लॉग तो आ चुका है। अब ये कुछ क्लिप, वीरवार में कुछ ही क्लिप निकली थी, ज़्यादा मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि उस दिन सारा बस दिन ऐसे ही बिजी चला गया था। और शुक्रवार का व्लॉग है बिड़िया लेकर के हम गए थे, वो भी रखा हुआ है, वो भी मैं डालूँगी, कल डाल दूँगी अगर टाइम लगेगा तो। बाकी कई दिन हो चुके हैं व्लॉग नहीं आ रहे हैं, और आप लोगों को भी मैसेज कमेंट लगातार आ रहे हैं, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो? रीज़न तो पता ही है आप लोगों को क्यों नहीं डाले जा रहे हैं। ये नहीं है कि भाई टाइम नहीं है, टाइम भी है, ये भी नहीं है भाई क्लिप नहीं निकाल सकते, क्लिप भी निकाल सकते हैं, चाहे कितने ही निकाल लो, बस मन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। अब भी ना, मैं 2-3 घंटे हो गए मुझे सोचते सोचते कि थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करनी है, चलो मैं कल तो डाल ही दूँगी व्लॉग, लेकिन बस फिर मन ही नहीं कर रहा। अब भी मीनू ने कई बार बोला है कि दीदी आप कर लो एडिटिंग, डालना ही है व्लॉग। तो अभी आई हूँ मैं अपना कुछ काम करने के लिए ऊपर, आज तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, सुबह के टाइम पे ही डालना पड़ेगा, और बताएंगे भी सारी बातें धीरे धीरे बताएंगे। देखो, आप लोग भी समझदार हो, अब एकदम से आकर के यहाँ पे सारी चीज़ें बताना भी ठीक नहीं होता, ठीक है? सब लोग देखते हैं, ये नहीं कि भी हाँ आपको ये लगता है कि क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि रितु की वीडियो पे मैंने कमेंट देखे थे। आप खुद समझदार हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ऐसे एकदम से सामने सबके नहीं बताई जाती, ठीक है? कोई पर्सनली पूछ रहा है वो चीज़ अलग है, और सब कुछ ठीक होने दो, करेगा भगवान, इसी को करना है सब कुछ। तो बताएंगे आप लोगों को भी क्या कुछ दिक्कत हुई, क्या नहीं हुआ, ठीक है? वो सारी चीज़ें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, अगले को भी समझने की कोशिश करें भी उसके ऊपर इस टाइम पे क्या बीतरी होगी, वो बता रहा है तो क्यों नहीं बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी लूँगी यहाँ से जय की ड्रेस, बाकी हमने टुआना की कोई और क्लिप नहीं निकाली थी, गए तो हम कई जगह पर थे, लेकिन बस आराध्या ने नहीं निकाली, यहाँ पर आराध्या ने निकाल ली थी। 9:20 हो गई हैं और बस आए बादशाह जद के नुए बैठे बैठे, फ़ोन कदे किसी का आ गया, कदे किसी का आ गया, तो फोन ना ही लग रही थी। और इब अपने जो सामान है वो दिखाऊंगी, फिर एडिटिंग करांगे, आदमी आड़ लग रहा नहीं, उठाली दिमाग में फिर दुखी रहा है वो है, फिर एडिटिंग करके गेरांगे, फिर वो कमेंट पढ़ांगे, कमेंट पढ़ थोड़ा हौसला मिला है तो उसमें ठीक टाइम पास हो जाए। मैं तो यूरी तो नहीं नोए कहूँ थी महा तो ना वीडियो गया करीब रोज, ठीक है? क्योंकि तेरा ठीक टाइम सा पास हो जाएगा उसमें, ही तो मैं क्लिप काटी होंगी, एडिटिंग करूंगी, टाइम लग गया होगा, तेरा ध्यान बटेगा उस चीज में, फिर वीडियो गेरेगी, फिर अपने कमेंट आगा इतना वो हो जाए भाई, हाँ कमेंट देखा किसका के आया है और इतने कमेंट आ रहे हैं, मतलब मैं तो पढ़ती थक गई, मेरे पे सारे कमेंट पढ़े भी बोले गए। तो थोड़ा सा यू है कि भाई ध्यान अटै उड़ा उस चीज से इस करके। तो चलो ये मैं आपने दिखा दू हमारी ड्रेस भाई, हम के पहन करके जावांगे, या तो मैं गीतू की ले आई हूँ, पहले ले आई थी वहां, मैं फिर बाद में दिखाऊंगी, ठीक है? वहां थे या मैं पेंट लेके हूँ, ड्रेस पूरी मेरा पसंद को नहीं आई, तो मैंने अलग अलग ली थी, शर्ट अलग ली थी और पेंट अलग ली थी। तो मैं बोले जी बच्चे बड़े हो गए, दोनों बच्चे गए, आप अलग अलग लिया करो, जब जाके परफेक्ट मैच होगा। और यह मैंने पूरी ड्रेस खरीद ली, तो इसकी पेंट तो ठीक है, बाजू जुम्मा खुल ली है, ठीक है? तो यह मैं गीतू की पेंट लेके आई, क्योंकि इसने इस कलर की को नहीं, आराध्या तो कह रही थी मम्मी ब्लैक ले ले, शर्ट के साथ ब्लैक अच्छी लगेगी। फिर मैं बेटा
ब्लू कलर भी कोनी पहरे, ब्लैक तो इस पे है ही, तो इस करके एक ये इसकी जो पैंट है वो लेके आई हूँ और यह शर्ट लेके आई हूँ जो खादी सी का कपड़ा हुआ है। नहीं ये खादी का कपड़ा है भाई, पर्ची है कि मैं तो पहले के लगा दी इसको, मुंह तो सही है कपड़ा फिर चढ़ेगा ये दोनों पर से, मतलब इसमें सेल्फ प्रिंट सा भी है, जाली सी है साथ में और साथ में ये जो दिख रहे हो आप का जो खादी का कपड़ा प्रिंट है, तो या 1300 रुपए की दी है मैंने चीज, या उससे द्वारा लेके आई थी व्हाइट कलर वाली। और राधे की या एक मतलब जो हम इतना दिलवाई थी उनमें तो है बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा, मैंने इसे करके ली वरना गाउन भी थे बहुत अच्छे अच्छे पर कई लेयर थी उनमें, फिर वहां सर्दी में तो गाउन गुन कमे बह जावे क्योंकि कोट काट स्वेटर ज्यादा डल जावे ना इस करके, फिर आप जींस टॉप पे पहन की वो सोचा भाई यहाँ जींस टॉप पे पहन लेगी तो फिर मैं यो ले लो, यो है कि जो मौसम है ना उसमें फुल बाजू है इसमें भी चल जाएगा, गर्मी में भी वैसे पहन लो सर्दी में भी नीचे पसीना का ठंडा होगा। हाँ इन्नर पहन के चाहे सर्दी में भी पहन लो, सारे मौसम में चल लगाई ठीक है। तो यो आराध्य का लेके आई हूँ या इसके नीचे लगी वाइट कलर की अच्छे लगे ठीक है। अभी मेरा सूट बेटा, बाकी ये मेरे सैंडल है देख लो अलग कलर के ले आई मेरे सलवार तो यो ही है ठीक है। ये जो कपड़ा चल रहा है ना सेल्फ प्रिंट सारा उस वो है यू कपड़ा भी, और यो मैंने गले पर डिजाइन बनवाया है लेस वगैरह लगवा के, ये वो बाजू है इस पर यो जो एंड वर्क है ना वो हो रहा है, बाकी भी मैंने पहन के देखना भी फिटिंग वगैरह ठीक आओगी कि नहीं आओगी और फिर देखूंगी अगर थोड़ा सा लगे अभी क्योंकि व्हाइट का हाथ उत लग जावे ना तो इस करके मैं इसमें धो लूंगी मैं एक बारी और फिर सुबह के टाइम पर प्रेस कर लूंगी फिर पहनूंगी, और नीचे यो इस तरह का है बाकी पहनूंगी उस टाइम पर सही दिखेगा आपने, बस इतना तो मैं सोची चलो दिखा दूं है ये ना मां जो कर दे कि यो कढ़ाई हो उड़ी है ना ये चाखा के निशान ये कढ़ाई करवाई उड़ी है तो ये चाख के निशान सारा को है नुके नु किते पिंक कलर का कितने येलो कलर का, तो फिर मैं थोड़ा सा उस तरह सही हो जाएगा मेरे जो सिल के आ लिए फिर मैं फिर इकट्ठे दिखाऊंगी, ये तो मैंने जहाँ तक दिखाने पड़ गए भी मैं चलो कोई नहीं पहनना तो है दिखा तो वैसे भी का फिर वो मैं वीडियो उस तक पहले जा लेंगी ठीक है। तो चलो एक बार मैं सूट पहन के देख लूँ फिर मैं अपना सूट धो के सुखाऊंगी प्रेस तो फिर सवेरे करूँगी और अपनी जो चूड़ी वगैरह है वो सेट करके रख दूंगी भी ताकि सवेरे टाइम नहीं लगा क्योंकि कल ना फिर हमने जाना है ठीक है, और कल ना अपना ओड़ा जाऊंगी घर आ जाऊंगी के हॉस्पिटल में जाऊंगी कड़ा जाऊंगी ओड़ा जाऊंगी क्योंकि देखो सारी जगह अपन अपना फर्ज निभाना जरूरी हो गया है, बीमारी भी आवेंगी सारे काम होएंगे लेकिन सुख में भी जाना जरूरी है और दुख में भी जाना जरूरी है ठीक है। दुआ करिए सारे मैं समझे कभी खबरी ठीक हो जाला दौरान मारी दुआ कभी सलाह मत हो के घर आ गया थोड़ी सी दो तीन दरा बेटा ये संडे को रख दे बेटा तारे कपड़े रख दे, अरे मेरे सैंडल रख दे भाई की या दूसरी ड्रेस भी रख दे डाल के। तो जी अब ये जो क्लिप है ना ये है शनिवार की, और शुक्रवार वाला जो व्लॉग है वो पीड़िए वाला व्लॉग है वो तो प्रॉपर व्लॉग बनेगा तो वो मैं अलग से डालूंगी, ये कुछ क्लिप थी ज़्यादा तो मैंने नहीं निकाली थी ना ही मेरा निकालने का मन था क्योंकि शुक्रवार रात तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं ठीक है सारी चीज़ें भी हो जाएगी ठीक 2-4 दिन में 5-7 दिन में और तो क्या होगा इससे ज़्यादा तो, लेकिन शनिवार में थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों होनी शुरू हो गई घबराहट सी भाई, मेरी अमित के साथ बात हुई और एक क्या होता है ना मैं ज्योति के साथ रितु के साथ भी मैंने बात कर ली थी पहले क्योंकि रितु और ज्योति के पास तो मैं करती रहती हूँ, अमित के पास मैं बहुत बहुत ही कम फ़ोन करती हूँ बिल्कुल ही, अगर कुछ अर्जेंट ही हो जाए पूछना तो कर लेती हूँ वरना नहीं करती क्योंकि उससे फ़ोन करने के बाद ना फिर मेरा मन ज़्यादा दुखी हो जाता है, हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं करता पर पता नहीं क्यों फिर भी
होता है शायद, हो जाती है हमें अटैचमेंट भाई किसी किसी के साथ ज़्यादा हो जाती है, फिर शायद भाई चीज़ ही ऐसी होती है ना, बाकी हम सब का दर्द देख सकते हैं ये। फिर मुझे ये लगता है अगर ये चीज़ मेरे ऊपर आई होती ना तो मैं सहन कर लेती इसको, लेकिन उस पे आती है ना तो थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, पर ये है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती बस, क्योंकि करने वाला तो देखो भगवान ही है अपने हाथ में, तो अपा तो कुछ करने ही ना दें किसी के साथ भी। लेकिन ये है हाँ, कल शाम से ठीक है, बहुत हौसला है, सब कुछ भगवान भली करेगा और इसी को करना है। ना सिखा भी ओड़ा है जो सासू सुसू नहीं तो सिखाती भी अच्छी लग है। फिर नू कह दे हैं इबाड़ा बैठा आदमी का तसल्ली हो, घरा बैठे घरा रहनी है कौन से को नहीं होंगे, थोड़ा फर्क हो जाए। खैर इतनी तो मैं भी वो को नहीं भाई जो मानू हाय मेरा वो हो जाए टेंशन ना, वो तो है जी देखो सबर तो करा हम भी बहुत मन भी समझा, पर एक आधी बार थोड़ा सा नू हो जाए है जनू ना बहुत फर्क है इस बात का उनका है जा है ई बिर है ई फोन आवे मैसेज आवे ना ठा सकदे ना रिप्लाई कर दे फिर भी नू होवे जण साथ में नहीं करेगा तो उसकी मन में जरूर नू आवेगी। देख इसने पूछा भी कोनी है एक बार भी यार एक आता तो ऐसा होंगे तो मन दिन रात दुखी करे जा, हर इस टाइम में मन पूछे नहीं। मन में तो आवे है पूछे तो ले किसी का पूछे तो क्यों है, बंदरी राम राम जी सभी को। तो इस टाइम पे 9:15 हो चुके हैं सुबह के और दिन है आज बुधवार, तो कल मैं घर आ गई थी मंगलवार में, क्योंकि संडे में मैं घर पे रही तो मुझे ना दिक्कत सी होनी शुरू हो गई थी, घबराहट वही जो पिछले साल दिक्कत हुई थी ना धीरे 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 धीरे, मतलब वही वाली सिचुएशन, भूख ना लगना, नींद ना आना पूरी पूरी रात, मन में पूरा दिन चाहे हम कितना ही अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें बात मतलब ध्यान उन्हीं बातों में जाना, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, वहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो जाता है। अब देखो बात तो अगर हम हॉस्पिटल में है तो भी वही है, अगर मैं अपने घर पे हूँ तो भी वही है, यहाँ पे हूँ तो भी वही है, बस थोड़ा सा ना जैसे कोई ना कोई आता रहता है बोलता रहता है उसमें फ़र्क पड़ता है आदमी को। तो हॉस्पिटल में तो फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं इधर उधर वाले भी बैठे होते हैं, उनको देख करके भी ये लगता है कि भाई देखो ये भी बेचारे परेशान हैं है ना, इनके भी छोटी सी दिक्कत, मतलब सब कुछ ठीक हुआ है एकदम तो पता नहीं कि ये दिक्कत बन जावा है, तो इतने इतने दिन तक ये भी हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क है भाई आपस में। देख अपने तो नीचे वाले ने देख के अपना दुख कटा है, और यहाँ पर भी यो है कि बच्चे हैं और मीनू है, तो थोड़ा सा यू है बोलने बतलाया जावा, यहाँ पे फिर कोई ना कोई आता भी रहा है भी मिलने के लिए, कभी मामी और आ गई कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो उससे टाइम सा पास हो जावा है, वरना वहाँ पे यो है कि बस 24 घंटे दिमाग में ये बात, क्योंकि कोई और है नहीं, मेरी माँ के आगे तो हम बता भी नहीं सकते या ना कुछ कह सकते ऐसा, उसके आगे तो अगर हमारा खुद कभी कुछ दर्द हो रहा हो या कई बार भैया से दिक्कत हुई है जैसे मास्टर जी यहाँ कभी हुई है बीच में अलग ही आज तक, वो बहुत एक दो लोगों को ही पता होंगी, बस हमारे दोनों के बीच में ही रहती है हमारी तो जो बात होती है, तीसरे आदमी को भी बहुत कम पता चलती है, तो उनको तो हम बता ही नहीं सकते ठीक है। तो फिर वहाँ पे कौन है ऐसा पूछने वाला,
इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे ही चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मीनू भी अकेली है, एक हफ्ता हो चुका है, पिछले बुधवार में एडमिट हुए थे, तो यहाँ पे इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक हो तो भी आदमी अकेला रह ले, अकेला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रहना। अब हमारी बात अलग है, अभी इसकी अलग है ना, थोड़ा फ़र्क है। और फिर ऊपर से इसकी तबीयत ख़राब रहती, इसका तो ये है भाई, एक काम किया फिर थोड़ी देर खाट में लौटेगी, फिर एक काम करेगी फिर थोड़ी देर खाट में लौटेगी, तो मका उसने भी मुश्किल हो रही होगी। कम से कम मैं उसके पास में रह तो जाऊँगी, और दो चार दिन उसका भी मन लग जाएगा, फिर उसके बाद ज्योति अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि उसने भी वही काफ़ी दिन हो गए हॉस्पिटल में रह लेंगे, जितने दिन भी रहना है। तो इस करके बस मैं ही भाग गई थी, और एक सोच रहे थे कि रितु का थोड़ा सा सोन सा करवा देवा, भाई कपड़े बदलवा देवा उसके, क्योंकि उन्हें कपड़े में हॉस्पिटल में सारे इब कह देवा। मैंने एक दिन कमेंट भी देखे थे, देखो हमारा तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता भी, हवन के बाद नहीं पहरते, हमारा तो जलवा पूजन के बाद को नहीं पहरते उन सूटा ने, जो पहले पहरे हुए हैं उसमें हम भी पहरिया कर दे, बाकी होना किस्मत का हुआ है ना। तो उसके कपड़े बदलवा देंगे, बाकी सोचा तो बहुत कुछ था। 8 तारीख ने हमने जलवा पूजन का प्रोग्राम था, मतलब बिल्कुल भी लड़के की तरह जलवा पूजवावांगे, लड़की होगी तो क्यों हो गया, या फिर हम कह रहे थे, हालांकि ये नहीं था भी हमारा कि लड़की होगी तो इस करके हम मना कर रहे थे, हम कह रहे थे भी छोटा प्रोग्राम कर लो कर लो, पर अमित नहीं मान रहा था कि नहीं भी फुल लड़के वाला प्रोग्राम करांगे, क्योंकि लड़की का तो लड़के का तो सभी करें हैं, करें तो भाई छोरी का करें। तो इस करके सारी तैयारी चल रही थी, देखा भी होगा आप लोगों ने, पर चलो भगवान ने को नहीं वो मंजूर था। तो ईब इस करके कई लोग नू भी कहते हैं भाई छोटो जलवा पूजन ने कुछ नहीं हो रहा अपना, ठीक है जो भी छोरी का होया करा वो करके देख लो भाई, उसे तो जशूत आ जा तो है ना। तो इस करके बस ईब तो उसके अपना सिंपल कपड़े बदलवा देंगे, उसकी माँ भेज देगी उसका सूटर में, और करवा के अपने सोन सा फिर देख लेंगे आगे, जब भाई बाकी सबका तो छोरी ठीक हो जाएगी घर आ जाएगी, उसके बाद मैं फिर देखांगे कि करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी बात है, बाकी कल शाम से ये है कि गुड़िया की तबीयत में काफ़ी सुधार बता रहे हैं डॉक्टर, और जैसे माँ का दूध भी पिलाना शुरू कर दिया उन्होंने, पहले माँ का दूध पिला तो रहे थे लेकिन वो वैसे डाल रहे थे, अब खुद रितु को दे रहे हैं, तो उससे ये है कि भाई फिर तो बच्चे की हालत में सुधार ही है अगर माँ को दे रहे हैं तो। इस करके वो देखो भी आज आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, हमें तो ये था कि आज ही उसका जो सोन है ना वो करवा देंगे, और फिर भी आगे भी यही है श्राद्ध वगैरह लगेंगे तो उनसे पहले ही हो जाए ठीक है, क्योंकि श्राद्ध में तो फिर नहीं करवाते हैं। पर देखो अभी आएगी 10:30 बजे के करीब डॉक्टर ने, उससे पूछ करके ही वो आएंगे, क्योंकि 2-2 घंटे बाद दूध पिलाना पड़ता है ना, अगर वो बोले कि भाई चले जाओ तो आएंगे वो 2-4 घंटे के लिए, और अगर नहीं मना कर देगी तो फिर देखेंगे। बाकी उस दिन भी सोच रहे थे हम, उस दिन बुधवार में एडमिट करवा दी थी तो रितु और आ गए थे, क्योंकि उनका वो कोई काम नहीं था, जब तो बच्चे को माँ का दूध पिला नहीं रहे थे, घर भेज दिए थे, अमित रह गया था वहाँ पे अकेला। फिर सलाह करी तो उस दिन शनिवार था, शनिवार ने तो वो चले गए शायद, हाँ मतलब संडे की सलाह करी थी भाई संडे ने कपड़े बदलवा देंगे, उसका भाई लेके आ जाएगा, तो उस दिन फिर जाना पड़ गया। मतलब जो चीज़ सोचे है ना वो तो होने को नहीं पा रही, जो हम सोचा भाई हाँ आज नू कर लेंगे उससे पहले कुछ ना कुछ हो जावे है, तो इस करके हमने यो ही सोचा है भाई देखो बच्चा ज़रूरी है, प्रोग्राम ये सारी चीज़ें लेने देने तो होते रहेंगे, तो इस करके हमें ये है कि हम तो बिल्कुल ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते ठीक है, जलवा पूजन का तो हम सोन भी नहीं करते। अब ठीक है जो भी लोग लड़कियों का करते हैं उसी हिसाब से करके कपड़े बदलवा देंगे उसके, ये है भाई माँ को भी दिक्कत होती है क्या, तो बेचारी का उसका जापा रह गया, सोचा तो नू थे मखा चलो जापा में थोड़ी बहुत बोड़ेगी है ना, पर नू तो किसने दे रहा था कि हॉस्पिटल में पड़ी है उड़की खाना पीना हुआ है, क्योंकि मीठा वहाँ पर ले जा नहीं सकते, वैसे डर लगा है भाई कहीं मना करते हैं वहाँ पर कुछ लेके नहीं जाना, अगर भाई कुछ जैसे डाली हुई चीज़ हुए हैं गूंद कांगनी वो सारी चीज़ें तो वो एक खिचड़ी खानी या फिर जो हॉस्पिटल में तो वो खाना मिल जाए वो खाना। चलो देखते हैं उतना रहेगा जो कुछ देते रहेंगे जैसे भी
क्लिप निकलेंगी उसी हिसाब से आप लोगों को अपडेट।